हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश पाठशाला। और आज हम करने वाले रीडिंग प्रैक्टिस एक और स्टोरी की, जिसका नाम है द ब्राह्मिन्स गिफ्ट। और इस स्टोरी के थ्रू आप सीखेंगे नए वर्ड्स, सेंटेंस फ्रेमिंग और एक बहुत ही सुंदर मोरल शिक्षा इस स्टोरी से। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वंस अ वेल्थी पर्सन अवार्डेड, अवार्ड मतलब इनाम दिया, अ गॉट बकरी टू अ ब्राह्मिन फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए। मतलब अगर वो ब्राह्मिन है तो उसने कुछ पूजा ही की होगी। तो एक वेल्थी, एक अमीर आदमी ने एक ब्राह्मण को इनाम में एक बकरी दी। द ब्राह्मिन हैप्पी टू रिसीव द गॉट, जो ब्राह्मिन था उसको बहुत खुशी हुई। हैप्पी टू रिसीव द गॉट, बकरी मिलने पर उसे बहुत खुशी हुई। स्लंग इट ऑन हिज शोल्डर, और अपने शोल्डर पर उसको रख के स्टार्टेड वॉकिंग, चलना शुरू किया टूवर्ड्स की और हिज हाउस, अपने घर की तरफ। तो अब उस बकरी को अपने कंधों पे रख के उस अपने घर की तरफ चलना उसने शुरू किया। ऑन द वे, रास्ते में थ्री ठग्स सॉ हिम, तीन ठगों ने उसे देखा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दिस गॉट वुड मेक अ लवली मील फॉर अस, दिस गॉट यह बकरी वुड मेक बनेगी अ लवली मील, एक बहुत ही अच्छा भोजन फॉर अस, हमारे लिए। मतलब ये बकरी हमारे लिए बहुत अच्छा भोजन बन सकती है। लेट अस ट्राई, तो कोशिश करते हैं टू चीट द ब्राह्मिन, उस ब्राह्मिन को चीट करने की, एंड गेट द गॉड फॉर आर सेल्फ, और उस गॉड को अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एज सून एज द ब्राह्मिन रीच्ड अ लोनली पैच, जैसे ही जो ब्राह्मिन था वो पहुँचा एक सुनसान रास्ते पर, लोनली पैच, द फर्स्ट ठग अप्रोच द ब्राह्मिन, जो ठग था एक पहला उसने अप्रोच किया, वो पास गया, अप्रोच पास गया द ब्राह्मिन के, एंड सेड, और कहा, ओ ब्राह्मिन व्हाई आर यू कैरिंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर, तुम क्यों कैरी कर रहे हो एक कुत्ते को अपने कंधे पर। द ब्राह्मिन गॉट इरिटेटेड एंड स्क्रीम्ड एट द ठग, जो ब्राह्मिन था वो काफ़ी इरिटेट हुआ और चिल्लाया, स्क्रीम्ड एट, और चिल्लाया उस ठग पर, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो, ब्लाइंड मीन्स अंधा, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो, कांट यू सी दैट दिस इज़ नॉट अ डॉग, क्या तुम देख नहीं सकते ये डॉग नहीं है बट गॉड, बल्कि क्या है एक गॉड। द ठग स्माइल एंड सेड, जो ठग था उसने स्माइल किया और कहा, इफ़ यू से सो एंड लेफ्ट, और उसने क्या कहा, इफ़ यू से सो, अगर तुम ऐसा कहते हो, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। द ब्राह्मिन कंटिन्यूड वॉकिंग, और जो ब्राह्मण था वो कंटिन्यू वॉक करता रहा। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ देर बाद, वॉज मेट, वो मिला बाय द सेकेंड ठग, और कुछ देर बाद वो मिला दूसरे ठग से। द सेकेंड ठग अप्रोच्ड, वो उसके पास आया, सेकेंड ठग, दूसरा ठग उसके पास आया, अप्रोच द ब्राह्मिन एंड सेड, और कहा, ओ ब्राह्मिन व्हाई आर यू कैरिंग, तुम क्यों ले जा रहे हो, अ डेड काफ ऑन योर शोल्डर, डेड काफ, एक मरे हुए बछड़े को तुम अपने कंधों पे लेके, ऑन योर शोल्डर, तुम अपने कंधों पे लेकर क्यों जा रहे हो, डज दिस बिहेवियर सूट यू, क्या ये इस तरह का बर्ताव तुम्हें सूट करता है, क्या ये तुम्हारे लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग है, बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मिन, क्योंकि वह पंडित था। द ब्राह्मिन नाउ गॉट कन्फ्यूज, और अब जो ब्राह्मण था वो हो गया कन्फ्यूज, उसे कुछ संदेह होने लगा। ही गेव द ठग अ डर्टी लुक, और उसने जो ठग था उसको एक डर्टी, बहुत ही गंदे तरीके से देखा, एंड वॉकड अवे, और उससे दूर चला गया, चलने लगा फ्रॉम हिम एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी वो जा सकता था उतनी जल्दी उससे दूर चला गया। After some time, after बाद some time, कुछ समय बाद the third ठग approached the ब्राह्मिन, जो तीसरा ठग था उसने अप्रोच किया ब्राह्मिन को, एंड सेड, और कहा, dear ब्राह्मिन why are you carrying a donkey on your shoulder, तुम क्यों ले जा रहे हो कैरी, क्यों उसे कैरी कर रहे हो डंकी, एक गधे को, on your shoulder, now अब। द ब्राह्मिन वॉज रियली स्केयर्ड, और जो ब्राह्मिन था वो सच में डर गया। ही थॉट, उसने सोचा, थॉट सोचा, आई मस्ट बी कैरिंग, मैं ज़रूर ले जा रहा हूँ अ गोस्ट, GHOST,
दिस इज़ नॉट घ, बहुत सारे उसका प्रोनाउंसिएशन घोस्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट घोस्ट, इट इज़ गोस्ट, गोस्ट भूत। तो मैं ज़रूर क्या ले जा रहा हूँ, एक भूत को ले जा रहा हूँ, हु कीप्स चेंजिंग, कीप्स चेंजिंग, जो लगातार बदल रहा है इट सेल्फ, खुद को। हरीडली, जल्दी से, ही थ्रू, उसने फेंका द गॉट, बकरी एट द रोड साइड, और उसने जल्दी से उस बकरी को रोड साइड फेंक दिया। एंड रन अवे, रन अवे, भागना फ्रॉम देयर, वो वहाँ से जल्दी से भाग गया। द थ्री ठग्स, और जो तीन ठग थे वो सक्सेसफुल, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गए इन इन गेटिंग व्हाट दे वांटेड, और जो तीन ठग थे वो सफल हो गए उसे पाने में जो वो चाहते थे, जो वे चाहते थे। दे लाफ्ड, और वो अब हंसे, हार्टली, दिल खोल कर वो हंसे, एट द नेव, नेव, नेव मीन्स होता है शरीफ, द वन हु इज़ नॉट क्लेवर, जो चालाकी नहीं जानता। तो दे लाफ्ड हार्टली एट द नेव ब्राह्मण, अब जो शरीफ ब्राह्मण था वो उस पर हंसे। मोरल ऑफ द स्टोरी, वन शुड बिलीव, बिलीव, विश्वास करना, हिज ओन आइज, तो हर किसी को क्या करना चाहिए, अपनी खुद की आंखों पे विश्वास करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर। आई होप गाइज ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इस स्टोरी के थ्रू आपने बहुत से नए वर्ड सीखे होंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग सीखी होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको फिर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी मेरी वीडियोज़ की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।